हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल रेनू ब्यूटी पार्लर में। आपने ओलिविया ब्लीच का नाम तो सुना ही होगा। ओलिविया ब्लीच के अंदर कई तरीके की ब्लीच आती हैं, ओलिविया गोल्ड ब्लीच, ओलिविया डायमंड ब्लीच, ओलिविया ऑक्सी ब्लीच, ओलिविया शाइनर ब्लीच। तो इस तरीके से काफ़ी ब्लीच आती हैं ओलिविया की और काफ़ी अच्छी हैं ओलिविया की ब्लीच। और आज हम जिसका रिव्यूज़ और डेमो दे रहे हैं वो हमारी ओलिविया D10 ब्लीच है। ओलिविया D10 ब्लीच विद एक्टिवेटेड कार्बन, और इस पे देखिए इस तरीके से लिखा भी हुआ है, रिमूव सन टैन, नो एडिड अमोनिया। तो जिसको भी जैसे आपको टैनिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप ये ब्लीच यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। अब जैसे गर्मियाँ वगैरह हैं तो ये हमारे को टैनिंग वगैरह हो जाती है फेस पर, हाथों पर, कमर पर, नेक पर, तो आप ये ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी टैनिंग भी दूर होगी और आपकी स्किन में शाइनिंग भी आएगी। और इसमें सब करने का मेथड भी दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से करनी है, और अभी हम डेमो भी करके दिखाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसका हमने बड़ा बॉक्स लिया है, पार्लर पैक है ये हमारा। और इसका जो प्राइस है 400 रुपीज़ है, और कुछ लेस भी हो जाता है, ये 375 या 350 की इस तरीके से ये हमें पड़ती है। और ये देखिए जब हम इसका बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर से हमें ये प्लेट मिली है। इसमें हम ब्लीच मिक्स करते हैं, एक बड़ी स्पून दी हुई है इसके अंदर, ये स्पैचुला दिया हुआ है जिससे हम ब्लीच निकाल कर मिक्स कर सकते हैं, और एक छोटी सी स्पून दी हुई है इससे हम एक्टिवेटर निकालेंगे। और ये देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या और हमें मिला है। ये हमारा पोस्ट ब्लीच है, ये हमारी पोस्ट ब्लीच है, और इसकी दो ट्यूब इसके अंदर हमें दी हुई हैं। और ये हमारा बूस्टर है जो हमारे स्किन में शाइनिंग वगैरह लाता है, और जैसे हमारी स्किन में जैसे डस्ट वगैरह हो जाता है उसको रिमूव करता है, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये देखिए ये हमारा इसका एक्टिवेटर है, इसके अंदर हमें 3 डब्बियाँ दी हुई हैं एक्टिवेटर की, क्योंकि ये बड़ी पैकिंग है। और ये हमारा 3 साल तक भी ख़राब नहीं होती है ब्लीच हमारी, इसकी जो एक्सपायरी डेट है ये 3 साल में एक्सपायर होती है। तो ये हमारी बड़ी पैकिंग है। अब हम आपको ब्लीच करके भी दिखाएंगे, और आज हम आपको हैंड्स पर करके दिखाएंगे कि हैंड्स पर जैसे टैनिंग वगैरह हो जाती है तो आप किस तरीके से टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये देखिए जो बड़ा स्पून दे रखी है इसके अंदर, तो उससे हमने 2 स्पून हमने ब्लीचिंग क्रीम निकाली है, और हमें इसको साथ ही साथ ब्लीच को बंद करके रखना होता है। और अब इसके अंदर सेकंड नंबर पे बूस्टर दिया हुआ है, बूस्टर की 2 ट्यूब दी हुई हैं, तो हम ये देखिए 1/2 स्पून हमने बूस्टर की ली है। बूस्टर इसके अंदर जो दिया हुआ है इससे काफ़ी अच्छा स्किन में शाइनिंग आती है, और ये स्किन के अंदर तक जा कर के जैसे हमारे डस्ट वगैरह होती है उसको रिमूव करता है। अब ये हमने 3rd नंबर पर एक्टिवेटर लिया है। 1st नंबर पर हमने जो स्पून इसके अंदर दी हुई है वो हमने 2 स्पून हमने क्रीम ली है, और 1/2 स्पून हमने बूस्टर लिया है, और जो छोटी स्पून दी हुई है इसके अंदर वो हमने 2 स्पून हमने एक्टिवेटर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको चाहें तो आप ये जो स्पून दी हुई है इससे मिक्स कर सकते हैं, या किसी ब्रश की मदद से मिक्स कर सकते हैं, या इसके अंदर जो स्पैचुला दिया हुआ है उससे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करनी है, जिससे कि अंदर जो इसके अंदर बूस्टर है, एक्टिवेटर है, सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये ब्लीच हम दोनों हैंड्स पर लगाने के लिए हमने 2 बड़ी चम्मच ब्लीच घोली थी, और इसके अंदर 2 चम्मच ही हमने एक्टिवेटर मिलाया है। और अगर आपको नेक पर लगानी है तो आप 1 चम्मच लेकर, 1 बड़ी चम्मच ब्लीच की लेकर के, और उसके अंदर 1 चम्मच एक्टिवेटर मिला सकते हैं। एक्टिवेटर हमने इसलिए ज़्यादा मिलाया है क्योंकि हमारी हाथ की, नेक की, बैक की स्किन थोड़ी हार्ड होती है, तो इसके अंदर हम ज़्यादा एक्टिवेटर मिला सकते हैं, और फेस के लिए हम कम एक्टिवेटर मिलाएंगे। और फेस पर हम किस तरीके से ब्लीच कर सकते हैं घर पर रहकर, आप किस तरीके से ब्लीच घोल सकते हैं, किस तरीके से एक्टिवेटर मिला सकते हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। तो ये जो आज हमारे यहाँ पर कस्टमर आई हुई हैं ये हमारी जान पहचान की ही हैं, तो क्योंकि आजकल जो पार्लर वगैरह है वो कम खुलते हैं, 1 दिन खुलते हैं 1 दिन बंद रहते हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा पार्लर भी नहीं खोल रहे हैं। जो जान पहचान के होते हैं तो वो अपना फ़ोन करके आ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब इनके
हैंड्स पर हम लगा रहे हैं। अभी इनके हाथ पे आपने टैनिंग देखी है, अभी इनकी शुरुआत है। अगर शुरू में ही कंट्रोल कर लिया जाए तो काफ़ी जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये देखिए अब इनके टैनिंग है हाथ पर। तो इस तरीके से हमें ब्लीच घोल कर ऊपर से नीचे की ओर हमें पूरे हैंड्स पर लगानी है। इसी तरीके से अगर आपके नेक पर है, कमर पर है, बैक पर है, तो आप इस तरीके से ब्लीच घोल कर आप लगा सकते हैं। अब हमने इसको 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया है, क्योंकि जो हैंड्स वगैरह की स्किन है थोड़ी हार्ड होती है, तो 20-25 मिनट आप लगा कर छोड़ सकते हैं। और अब हमने जैसे 20 मिनट हो गए हैं, अब हमने टिश्यू पेपर की मदद से ब्लीच को पोंछ दिया है। और ब्लीच पोंछने के बाद कोई सी भी आपके पास क्रीम है या मॉइस्चराइज़र वगैरह जो कुछ भी घर पर है, तो आप उसको इस तरीके से ब्लीच पोंछने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए हमें मसाज करनी है। जैसे ये हैंड्स पे करवा रही हैं तो हैंड्स पर हम मसाज करेंगे, और जैसे कमर पे किसी को करवानी है या बैक मसाज करानी है तो आप इस तरीके से मसाज ज़रूर करेंगे। तो इससे काफ़ी जल्दी जो हमारी टैनिंग है वो रिमूव होगी। तो इस तरीके से हमें 5 मिनट के लिए मसाज करनी है। आपके पास जैसे क्रीम है, पपाया की है, या कोई भी फ्रूट क्रीम वगैरह है तो आप उससे कर सकते हैं, एलोवेरा क्रीम है उससे कर सकते हैं, क्लिंजिंग मिल्क है या मॉइस्चराइज़र है, तो इस तरीके से प्रेशर पॉइंट दबाते हुए और इस तरीके से कम 5 मिनट के लिए हमें क्रीम से मसाज करनी है। और क्रीम से मसाज करने के बाद आपके पास अगर स्क्रब वगैरह भी है तो आप स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसे हमने, ये मेरे पास राइज स्क्रब है, तो कोई सा भी अगर आपके पास स्क्रब है या एप्रिकोट है तो आप उससे भी 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको टैनिंग वगैरह है सिर्फ वही लोग ये वाली ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, ये ब्लीच आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को टैनिंग वगैरह होने से बचा सकते हैं और अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो अब इनके देखिए स्क्रबिंग भी हो गई है और क्रीम से मसाज भी हो गई है। अब हम टिश्यू पेपर से या किसी टॉवल की मदद से इनके हैंड्स को पोंछ रहे हैं, क्योंकि एक बार से टैनिंग वगैरह दूर नहीं होती है। जैसे जिस इनके ज़्यादा टैनिंग है, जिसके भी ज़्यादा टैनिंग होती है, तो वो महीने में कम से कम 3 बार इस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको अपने आप ही फ़र्क नज़र आएगा। और जैसे कई लोग नॉर्मली ऐसा करवाना चाहते हैं तो वो अपना महीने में एक बार ज़रूर इस तरीके से ब्लीच करें और क्रीम से और स्क्रब से मसाज करें, तो आप इनके हाथों में भी फ़र्क देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।